पूरे एसी बंद है सारे, यार क्या मैनेजमेंट है। आधे घंटे के लिए स्थगित कर दो, ये व्यवस्था व्यवस्था सही हो गया उसके बाद में चालू करो। दिनेश सर ऊपर आओ, आपने भी देखा है, कहाँ ऊपर आओ। बाकी सब लोग जितने भी विभाग के बैठे हुए सब सेटिंग करने का काम करते हैं। लोगों को जो छुट्टी देते हैं जनता के लिए कि वो आए और हमको पैसे दे और हम नोटिस को निरस्त करें। बताइए क्या जरूरी है? अभी आपने मेटेड उच्च रोड के ऊपर बहुत सारे नोटिस दिए, एक घटना हो गई थी वहां पर वो झाड़े वालों की, उसको लेकर के माननीय महापौर श्री सभापति जी लाइन से सबको नोटिस दिए लोगों ने। बताइए नोटिस के बाद क्या कार्रवाई करेगा कुछ? अरे क्या औचित्य है, जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई निर्णय नहीं हो रहा है, है? वो वरिष्ठ नागरिक मंच वालों ने आपके सबक रखा था मैडम, तो अभी एक महीने फैलाई है, दो महीने फैलाई है। आपने क्या उत्तर दिया मुझे मालूम है, आपने अपने स्वयं की प्रॉपर्टी पे का उत्तर मुझे दिया है कि होम टू प्रॉपर्टी हमारे अस्तित्व में नहीं है। पूरा देवा जानता है कि बल्लार समिति मंदिर प्रॉपर्टी का मालिक नगर निगम देवास है, और आप मेरे को सूचना के अधिकार के अंतर्गत जवाब दे रहे कि हमारे अस्तित्व में नहीं। बताइए ये स्थिति है इस नगर निगम देवास आपकी वो वरिष्ठ नागरिक मंच वाले विदाउट परमिशन अवैधानिक तरीके से आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्डिंग बना करके सीना तान करके पिछले कई वर्षों से अपना ऑफिसों का संचालन कर रहे हैं। अभी मैंने दो दिन पूर्व आई तो मैडम से आग्रह किया, मैंने मैडम को मेरे राज्य सरकार को भी लिखा कि इसमें आप कार्रवाई करें, और मैं चाहता हूं कि उस बिल्डिंग में से उनको हटाया जाए, और मैंने मैडम साहब ने यह भी कहा कि उस बिल्डिंग को तोड़ा भी नहीं जा, नियम से तोड़ना चाहिए। ग्रीन पार्क है, लोक उपयोगिता भूमि के ऊपर हमारे नरेंद्र जी का जैसे गार्डन का विषय आया था, पहली बात तो किसी सिविल कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए, अगर हो भी गया तो मैंने मैडम से निवेदन किया है कि उनको से खाली कराए, और आज जिला अस्पताल के अंदर पूरे देवास का जिला अस्पताल है, वहां पर पूरे जिले भर के मरीज आते हैं, हमारी माता बहने अपने पेशेंटों के साथ आती है, रात्रि में बिचारी बाउंड्री में सोती है हमारी माता बहने, कम से कम उसका रेल बसेरे के रूप में उपयोग किया जाए। करना पड़ेगा बहुत सारी व्यवस्था शासन के